पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और जालौन में पुलिस का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। मामला कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम एंधा का है, जहां चोरी के इल्जाम में थाने लाए गए दो नाबालिगों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। बाद में चोरी का इल्जाम साबित न होने पर उन्हें छोड़ दिया। अपने घर पहुंचे पीड़ित नाबालिगों ने पूरा किस्सा अपने परिजनों को बताया तो परिजन कुछ ग्रामीणों के साथ में सीधे डीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस की दरिंदगी को बताया। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते ये भी बताया कि नाबालिग को करंट भी लगाया गया। मामला बढ़ने के बाद सीओ संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज यह जानकारी मिली, कोटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़के ने एप्लीकेशन दिया कि वो दो लड़कों को लिफ्ट दिया था और उन लड़कों ने उसके बैग से पैसे निकाले। उसके संदर्भ में उन लड़कों को बुला के पूछताछ किया गया तो उन लड़कों ने स्वीकार किया कि हाँ, पैसे निकाल लिए थे, जैसा बताया गया इंस्पेक्टर के द्वारा। उन्होंने बताया कि इसकी वीडियो भी है,